नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा 24 न्यूज। मैं पूजा। छिंदवाड़ा में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन करने के दौरान बवाल हो गया। यहां पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर आ गए, एक दूसरे पर पत्थर फेंके, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। भाजपाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष सहित कुछ कार्यकर्ताओं को पहले घेरा और उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर पीटा। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी भाजी है, पानी की बौछार भी की। इसके बाद स्थिति संभल सकी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। जिले के सिंगोड़ी में दोपहर में कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा था। पुतला दहन के दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और उन्होंने भी नारेबाजी कर दी। हालांकि विरोध होने के बावजूद कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला फूंक दिया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। विरोध इस कदर बढ़ा कि बस स्टैंड से लेकर सेंट्रल बैंक तक पुलिस बल के बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इसमें दोनों तरफ के कार्यकर्ता घायल हो गए, कुछ गाड़ियों के कांच भी टूट गए। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया था। स्थिति को बिगड़ती देखकर पुलिस ने यहां वाटर कैनन से पानी की बौछार की, लाठियां भी भाजी। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठे। कार्यक्रम में सिंगोड़ी पहुंचे युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव आहके समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसे लेकर काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों का कहना था कि मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपाइयों पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सिंगोड़ी चौकी पहुंच गए। उन्होंने चौकी का घेराव भी किया। सूचना पर चौराई विधायक चौधरी सुजीत सिंह और अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश शाह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे भी सिंगोड़ी पहुंचे थे। वहीं झड़प के दौरान एसएसपी संजीव उइके और अन्य अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। एएसपी संजीव उइके ने कहा कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर पथराव करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से जो था पुतला दहन का कार्यक्रम, हमने उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रोके वो, और दोनों पक्षों से पथराव हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में और उसमें देखेंगे, चिन्हित करेंगे, जिनके तरफ से पथराव हुआ है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे हम, गिरफ्तारी भी होगी उनकी। तो आप बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।